ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। अपना दल कमीरावादी की नेता और सपा के सिंबल पर विधायक पल्लवी पटेल ने अब समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना दल कमीरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा बनाया है। पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर रविवार को लखनऊ में पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ प्रेस वार्ता की और तमाम आरोप जो हैं अखिलेश यादव पर लगाए। अखिलेश यादव पर पल्लवी पटेल इस कदर फायर थी कि उन्होंने अखिलेश यादव पर महाभारत होने तक की बात कह डाली। पल्लवी पटेल ने बताया कि जिस तरीके से पांडवों को कुछ ना मिलने पर महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसी तरीके से अब जो है अखिलेश यादव अगले महाभारत के लिए तैयार हो जाएं। पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है, उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल है उन पर चुप्पी साधे बैठे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम। और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं, हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायी, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस से हाथ छिटक कर पल्लवी पटेल ने अपना एक अलग मोर्चा तैयार किया है। अब इस मोर्चे में कितने और नेता और अन्य दल शामिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता जो इंडिया अलायंस से उम्मीद लगाए बैठे थे कि इंडिया अलायंस में वे भी शामिल होकर कुछ न कुछ सीटें ले लेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी ने ना तो चंद्रशेखर आज़ाद को सीट दी और ना ही पल्लवी पटेल को मना सके और ना ही जयंत चौधरी को संभाल सके। अब उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के अलावा एनडीए और बसपा के बाद अब चौथा गठबंधन जो है तैयार हो गया है। ऐसे में इस गठबंधन का कितना कुछ असर रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।